press the bell icon on the YouTube app and never. ऐसे ही लिखती है ना, तो ये इलम में फिर तजदीद आएगा और जबर जबर आएगा. अगर आप इलम बोल रही हैं तो उसमें फिर तशदीद आ जाएगा और जबर आ जाएगा, पर इट्स इल्म क्योंकि जेर जेर है नीचे, ठीक है, और ऊपर वो आधे वाला हमजा है तो इल्म होता है. बिकॉज मैं अरबिक में बहुत जबरदस्त मेरी पकड़ है. हाँ, अब द सेकेंड थिंग इज, आपने कहा कि नहीं मोदी जी मुसलमानों के लिए इल्म की बात भी किए हैं, अजान के वक्त में उन्होंने अपना माइक भी बंद किया है, पर क्या क्या भारत के मुसलमान इस बात को अप्रिशिएट करते हैं? नहीं. भारत के मुसलमान खुले आम खुली सड़क पे इस देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां परोसते हैं, मां बहन की गंदी गंदी गालियां परोसते हैं. मुसलमान ये सोचता है कि उसको इज्जत क्यों नहीं मिलती. अभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है. और वो पाकिस्तान से लेके भारत में रह रहे जितने भी जिहादी हैं आज सबको आड़े हाथों लेंगी. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. जो है मतलब पीएम मोदी की मिसाल दिया है, तो मैंने जहां तक देखा है वो चाहे कट्टर हिंदू हैं लेकिन उनकी ये खूबी भी ये है कि जब जब मैंने स्पीच उनकी ऑलमोस्ट सुनी है, वो जहां मुस्लिम्स भी होते हैं उनको उनकी लैंग्वेज में उनके उनके मजहब के मुताबिक लेकर चलते हैं. मतलब जैसे अजान हुई तो उन्होंने अपना माइक नीचे कर लिया, मुसलमानों के लिए किया. भाई अगर वो चाहते तो वो अजान के टाइम भी बात कर सकते थे क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हिंदू है ना, उन्हें क्या है लेना देना इन चीजों से. तो दूसरी तरफ उन्होंने इलम की भी बात की कि कुरान पाक में इलम का जिक्र सबसे ज्यादा है तो इलम हासिल करो, कि काफी चीजें हैं जो कि वो हिंदू होने के साथ साथ मुसलमानों को उनकी ही लैंग्वेज उनके ही मजहब के मुताबिक समझाते हैं. तो ये भी चीज इंस्पायर करती है मुझे लगता है पूरी वर्ल्ड के अंदर के एक कट्टर हिंदू हर चीज को लेकर चल रहा है, और एक पीएम अगर ऐसा हो तो फिर उसकी जनता तो ऐसी होगी ना, ऑब्वियसली बात है. तो जैसे अनम मैं आपको ये बताऊं, ये इल्म नहीं होता है, इल्म होता है. इल्म होता है. जी जी. जब आप लिखती हैं इल्म, ऐसे ही लिखती हैं ना, ऐसे ही लिखती हैं ना, तो ये इलम में फिर तजदीद आएगा और जबर जबर आएगा. अगर आप इलम बोल रही हैं तो उसमें फिर तजदीद आ जाएगा और जबर आ जाएगा, पर इट्स इल्म क्योंकि जेर जेर है नीचे, ठीक है, और ऊपर वो आधे वाला हमजा है तो इल्म होता है. बिकॉज मैं अरबिक में बहुत जबरदस्त मेरी है. हाँ, अब द सेकेंड थिंग इज, आपने कहा कि नहीं मोदी जी मुसलमानों के लिए इल्म की बात भी किए हैं, अजान के वक्त में उन्होंने अपना माइक भी बंद किया है, पर क्या क्या भारत के मुसलमान इस बात को अप्रिशिएट करते हैं? नहीं. भारत के मुसलमान खुले आम खुली सड़क पे इस देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां परोसते हैं, मां बहन की गंदी गंदी गालियां परोसते हैं. मुसलमान ये सोचता है कि उसको इज्जत क्यों नहीं मिलती है. मुसलमानों के अभद्र शब्दावली की वजह से जो तलफ्फुज जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, जो लहजा वो इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ भारत में ही अपनी इज्जत खत्म नहीं कर रहे हैं पर अब तो धीरे धीरे अरब में भी अपनी इज्जत को खत्म करते चले जा रहे हैं.
अब चाहे भारतीय मुसलमान हो चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो, उनकी इज्जत इस दुनिया में 56 मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं है। इस पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं। 56 मुस्लिम मुल्कों से अगर आप पूछिएगा, और गाहे बगाहे जो न्यूज आते हैं भारत के मुसलमानों को और पाकिस्तान के मुसलमानों को 56 मुस्लिम कंट्रीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है और मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुसलमानों का जो गहना हुआ करता था तहजीब व तमद्दन, शराफत, अल्फाज, तलफ्फुज, लहजा, शराफत, आंखों का शर्म, लिहाज, मुलाहिजा, ये सारी चीजें मुसलमानों ने, पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों ने खो दिए, खत्म कर दिए। और खत्म किसी अच्छी चीज को अडेप्ट करने के लिए नहीं किया है। आज मुसलमानों के घर में केक कटता है बर्थडे में, आज मुसलमानों के घर में मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाती है, आज मुसलमानों के घर में फादर्स डे मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, आज मुसलमानों के घर में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर मुसलमानों से ये कह दो कि भारत के सिविलाइजेशन में आपको झुक करके नमस्ते करने में क्या प्रॉब्लम है, जब अंग्रेजों की सारी चीजें मानने को तैयार हो, तो जिस भारत में रह रहे हो उस भारत की सभ्यता को थोड़ी मान लो, तो बस हिंदू काफिर। जिस तरह से पाकिस्तान कभी भी भारत के लिए अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसी तरीके से भारत देश का मुसलमान जो 20 करोड़ की आबादी वाला है, उसमें से 15 करोड़ की आबादी वाले कभी भी सनातनियों को रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। और ये काम वो बियॉन्ड दी कुरान कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ कर रहे हैं। अब आती है बात पाकिस्तान इतना अड़ियल है, गधा बेच करके बम गोली बारूद खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी अवाम भूखी मर रही है, उसको मतलब नहीं है। वो अपने पोर्ट को, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को, वो हर चीजों को गिरवी रख करके टेररिज्म को पाल रहा है, टेररिस्ट को रोटी बोटी दे रहा है। हनी ट्रैप जो जो लड़कियां करती हैं, जो जो औरतें और खवातीन करती हैं, उनके उनके मेकअप पॉलिश के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, आतंकी हरकतें करने के लिए पैसा कहीं से भी जुगाड़ कर रहे हैं। पर अवाम को किस चीज की जरूरत है, उसकी चिंता पाकिस्तान की सरकार को नहीं है, नहीं है। आप सोचो कि भारत के एक एक स्टेट पश्चिम बंगाल से बैठा बैठा एक लड़का पाकिस्तान की जावेरिया को बुलवाता है, मतलब भारत के मुसलमान लड़कियां हमारे भारत के मुसलमान लौंडों को पसंद नहीं आती हैं, पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियों को पाकिस्तान का मुसलमान लौंडा पसंद नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी है। अब आती है बात कि इसको बहुत डीप से समझना पड़ेगा, क्या भारत के डिफेंस में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाया जा सके। भारत का डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि हम हर एक ताकत से डिफेंस में, हर एक इक्विपमेंट से, हर एक इंस्ट्रूमेंट से और अपने जवान सेनाओं से इतने स्ट्रांग है कि मात्र 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को कब्रिस्तान आराम से भारत का डिफेंस कर सकता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से अगर एक बार नितिन याहू जी को फोन चला गया इसराइल के जो करता धरता है, तो दो लोग मिलकर के तो कब्रिस्तान भी नहीं बचेगा, वो उजड़ा हुआ मैदान हो जाएगा अगर भारत और इसराइल पाकिस्तान के पीछे पड़ गया तो। लेकिन क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता और रामायणा और महाभारता में ये चीज बताई गई है कि हम किसी निहत्ते को नहीं मार सकते हैं, ये चीज बताई गई है कि इंसानियत के प्रति माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है, ये चीज बताई गई है कि अगर कोई कमजोर है तो उसको खत्म करने में ताकत का एक
जो परचम है वो लहराना सही नहीं होता है, लेकिन क्या क्या ये थॉट प्रोसेस पाकिस्तान के उन युवाओं में है जो गली में खड़े हो करके और बाजार में खड़े हो करके ये कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे और सारे भारतीयों को का गला रेत देंगे? तो इसलिए भारत और पाकिस्तान का मुसलमान धीरे धीरे पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ रही है, पूरी दुनिया निकाल बाहर कर रही है, पूरी दुनिया उनसे घिन कर रही है, पूरी दुनिया उनसे नफरत कर रही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बेइज्जत किया, ना सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दी, बल्कि भारत में रह रहे जो जिहादी हैं उनको भी आड़े हाथों लिया और एक्सपोज किया और यहां तक कह दिया कि भारत जब चाहे पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना सकता है और ये तो हिंदुओं के संस्कार है और भगवद गीता और रामायण ने हिंदुओं और मोदी जी को रोक रखा है, वरना पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने में 24 घंटे भी ना लगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।